आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे योग टीचर से जिन्हें देश का सबसे बुजुर्ग टीचर माना जाता है। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि वाकई उम्र का बढ़ना महज नंबर के बढ़ने से ज्यादा कुछ नहीं है। जिंदगी का वो पड़ाव जब ज्यादातर लोगों को चलने फिरने में तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उस उम्र में ये महिला योग टीचर बन गई है। कोयंबटूर में रहने वाली नानामल की उम्र 98 साल है और वो रोजाना योग करती हैं। उनको योग करते देख हर कोई हैरान रह जाता है। कोयंबटूर की वी नानामल को देश की सबसे बुजुर्ग योग इंस्ट्रक्टर के तौर पर देखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस उम्र में भी वो 20 से ज्यादा आसनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेती हैं। नानामल ने अपने पिता से योग सीखा था और उनके पति एक सिद्ध चिकित्सक थे। ऐसे में उन्हें पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने की नसीहत मिलती रही। नानामल के मन में कभी नहीं आया कि वो योग छोड़ दे। यही वजह है कि आज तक उनका शरीर इतना फ्लेक्सिबल है। नानामल रोज सुबह जल्दी उठ जाती हैं। उठते ही सबसे पहले वो आधा लीटर पानी पीती हैं। फिर वो अपने छात्रों को योग सिखाने चली जाती हैं। इनके खाने में ऐसी चीजें ही बनाई जाती हैं जिसमें फाइबर और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। रात का खाना ये 7 बजे तक खा लेती हैं और ज्यादातर खाने में फल और शहद होते हैं। योग प्रशिक्षक होने के साथ ही ये प्राकृतिक जीवन की बहुत बड़ी अनुयायी हैं। पूरी दुनिया में लगभग इनके 600 छात्र हैं। पहले वो अपने घर में कुछ लोगों को ही योग सिखाती थी, मगर एक प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद इनको प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद से ये 100 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं और अब योग इनके परिवार की विरासत बन चुका है। तो क्यों है ना कमाल का जज्बा, जिन्हें देखकर उम्र का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। और अगर आप भी अपनी रूटीन में ऐसे ही योग को शामिल करेंगे तो लंबी उम्र का तो दावा नहीं करते, लेकिन हेल्दी लाइफ जरूर मिल जाएगी। अर्पणा दुबे, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।